चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखेंगे पीआईबी से। सबसे पहले हमें समझना होगा स्क्वाड्रन क्या होता है। तो स्क्वाड्रन का यूज़ हम करते हैं नेवी में जहाज़ों के ग्रुप के लिए, ठीक है। फ्लीट से छोटा समूह जो होता है वो स्क्वाड्रन कहलाता है। स्क्वाड्रन या फिर नवल स्क्वाड्रन एक प्रकार से सिग्निफिकेंट ग्रुप ऑफ वारशिप रहता है। युद्ध में जो जहाज यूज़ में लाए जाते हैं उनका एक ग्रुप रहता है, विच इज़ नॉनेथलेस कंसिडर टू स्मॉल टू बी डेजिग्नेटेड ए फ्लीट, लेकिन आप उसको फ्लीट नहीं बोल सकते। आज के समय में स्क्वाड्रन में यदि आप देखोगे ना तो 3 से लेकर के 10 वेसल्स हो सकते हैं, विच माइट बी मेजर वारशिप, ट्रांसपोर्ट शिप, सबमरीन्स और स्मॉल क्राफ्ट इन लार्जर टास्क फोर्स और ए फ्लीट। कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल रहती हैं, क्या क्या, कौन सा जहाज़ कहाँ यूज़ किया जाता है, इसके बारे में ये बात कही गई है। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ को। न्यूज़ में बताया गया है हमारे जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है ना, तो प्रेसिडेंट का जो स्टैंडर्ड सम्मान होता है, ठीक है, वो दिया गया है 22वें नंबर की मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को, हमारी इंडियन नेवी की। जो है आवर नेवी इज़ प्रीफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर फॉर मेंटेनिंग पीस इन द इंडियन ओशियन रीजन, ऐसा प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद का कहना है। इंडिया का कमिटमेंट टू इंडिजनाइजेशन इज़ ए ट्राइब्यूट टू छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसा प्रेसिडेंट ने कहा। आजकल हम क्या है ना अपने यहीं पर बनाने लगे हैं इस प्रकार के जहाज़, उसी को लेकर के कहा गया है कि सब चीज़ भारतीकरण हो रहा है। आज यदि इसकी उल्लेखनीय भूमिका को हम देखें ना तो 22वें नंबर की जो मिसाइल स्क्वाड्रन था ना, इसने सिंक कर दिया था पाकिस्तान नेवल शिप को ड्यूरिंग द 1971 का वार, आज से 50 ईयर्स युगों की ये बात है, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर जानेंगे ये जो 22वें नंबर का जो स्क्वाड्रन है ना, इसने क्या क्या काम करा था, उसकी सक्सेसफुल हिस्ट्री हम देखने वाले हैं। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है अबाउट 22वें नंबर की मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन के बारे में। तो ये जो जहाज़ों का ग्रुप है, इसको फॉर्मली रूप से इस्टेब्लिश किया गया था मुंबई में अक्टूबर 1991 में, विथ 10 वीर क्लास और 3 थे प्रबल क्लास मिसाइल बोट। इसमें क्या क्या चीज़ शामिल थी, 10 थे वीर क्लास के बोट और 3 थे प्रबल क्लासिक मिसाइल बोट थे। हाउएवर द जेनेसिस ऑफ किलर्स डेट इस बैक टू द ईयर 1969 विद द इंडक्शन ऑफ OSA फर्स्ट क्लास मिसाइल बोट फ्रॉम ईस्ट वाइल USSR टू बोल्स्टर द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन नेवी। तो यहाँ पर बात बताई जाती है कि हमने रसिया के सहयोग से 1969 में OSA क्लास की मिसाइल बोट को हमारे इसमें शामिल किया था, तभी से इसको किलर के रूप में जाना जाने लगा था, ठीक है। अब फिर आगे बताया जाता है 1971 में 4 से 5 दिसंबर की बात है, इस समय में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी। तो इसी समय जो यंग इंडियन नेवी का जो ग्रुप था ना, उसने अटैक किया था, खून बहाया था, किसका, पाकिस्तान की नेवी का। और ये सबसे सफल हमला माना जाता है क्योंकि इसमें हमारे देश का कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ था। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ से रिलेटेड। जो हमारे पहले चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल विपिन रावत, कल उनका हेलीकॉप्टर क्रैश से निधन हो गया। तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है, और न्यूज़ में हम सबसे पहले देखेंगे चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में, ठीक है, सारी बातें यहाँ पर हम जान लेते। तो पहली बात आ जाती है कि पहली नंबर के कौन थे हमारे, तो वो थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत। केंद्र सरकार ने क्या करा था, रक्षा मंत्रालय का 5वें नंबर का विभाग बनाया जिसका नाम रखा CDS, और सैन्य मामलों के विभाग के निर्माण को मंजूरी दे दी, और जनरल विपिन रावत को पहले देश का पहले नंबर का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था। अब ये क्या काम करता है CDS, 4-स्टार जनरल या फिर अधिकारी होता है जो कि सभी तीनों सैन्य सेवाओं, कौन कौन है, जल सेना, थल सेना और वायु, तीनों सेनाओं के मामले में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में काम करता है, ठीक है, प्रधान रक्षा मंत्री को सलाह देने का काम करता है।
यदि हम इसकी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो आज से काफ़ी समय पहले 2001 की बात है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स GOM, ठीक है, इन्होंने सिफारिश किया कि इस प्रकार के पोस्ट का सृजन करना ज़रूरी है, क्योंकि तीनों सेनाओं में ना ज़्यादा समन्वय नहीं होता, सब अपने अपने हिसाब से काम करती हैं, तीनों के बीच में कोई तालमेल नहीं होता है, इससे चीज़ें खरीदने में हमें चीज़ें महंगी पड़ जाती हैं, दूसरी बात यह है युद्ध में भी हमें ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, इसीलिए तीनों सेनाओं का एक प्रमुख हमें बनाना पड़ेगा जिसका नाम हमने रखे थे CDS। तो 2001 में ही ये बात निर्धारित हो गई थी, इन्होंने सिफारिश करे, ठीक है, जिसे कारगिल समीक्षा समिति 1999 की रिपोर्ट का अध्ययन करने का काम इनको सौंपा गया। अब ये जो मंत्रियों का ग्रुप था, इन्होंने सिफारिश करा, इसके बाद CDS के पद के निर्माण के लिए सरकार ने 2002 में एकीकृत रक्षा स्टाफ बनाया, ठीक है, उसका नाम फिर बाद में रख दिए CDS, और इसको CDS के सचिवालय के रूप में काम करना था। अब इसके बाद नरेश चंद्र समिति ने स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की सिफारिश करी थी 2012 में, इससे रिलेटेड जितनी भी आशंकाएं थी उनको ख़त्म करने के लिए। अब इसमें कुछ कुछ प्रावधान किए गए थे, जैसे कि वायुसेना का प्रमुख होता है, थल सेना का प्रमुख होता है, जल सेना का प्रमुख रहता, ठीक इसी प्रकार की सुविधा CDS को भी मिलती थी, ठीक उसी प्रकार की सुविधाएं बिपिन रावत को भी मिल रही थी, मतलब कि सैलरी भी उतनी ही मिलेगी और बाकी जो सुविधाएं मिल रही थी सब उतनी ही मिलेंगी, कोई कम ज़्यादा पैसा नहीं मिलने वाला। इसके अलावा देखो जो CDS रहता है इसकी आयु सीमा पर कोई नियम बाधा ना बने, इसलिए क्या काम किया गया, अधिकतम ये 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बने रहेगा, और देखा जाए तो वर्तमान के टाइम में सेना प्रमुख क्या के लिए क्या निर्धारित किया गया है, आप 62 साल तक नौकरी कर सकते हो या फिर 3 वर्ष का कार्यकाल रहेगा, ये किसके लिए है, वायुसेना प्रमुख के लिए है, और जबकि CDS के लिए कितना है, 65 वर्ष यहाँ पर बताया गया है। अब केंद्र सरकार ने आयु की ऊपरी सीमा को बताने के लिए सेना के नियम 1954, नौसेना अनुशासन विविध प्रावधान विनिमय 1965, नौसेना समारोह सेवा की शर्तें और विविध विनिमय, ये सारे इतने नियम कानून में संशोधन किया था। एक बात और ध्यान रखने वाली बात ये है, यदि आप CDS बनते हो तो रिटायरमेंट के बाद आप कोई सरकारी पद को ग्रहण नहीं करोगे, इसके साथ साथ 5 वर्ष के बाद तक, मतलब 5 वर्षों बाद तक बिना किसी की पूर्व स्वीकृति के किसी भी निजी रोजगार की अनुमति भी आपको नहीं मिलेगी, आप खुद का रोजगार भी नहीं कर सकते। इसके अलावा बताया जा रहा है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, ठीक है, सैन्य मामलों का विभाग है, इसके सचिव के रूप में CDS काम करता है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 4 विभाग पहले से ही काम करते थे, रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन वाला विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग और DRDO, ये 4 विभाग हैं, और 5वां जो विभाग था वो CDS था। इसके काम बताए गए थे तो रक्षा मंत्री को सलाह देना, लेकिन इसके साथ ही तीनों सेनाओं के अध्यक्ष रक्षा मंत्री को अपनी सेनाओं के संबंध में परामर्श देते रहेंगे, मतलब तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष रहे हैं ऑलरेडी हैं वो तो परामर्श देते ही हैं, इसके अलावा CDS भी देता है। CDS रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता वाली नियोजन समिति का सदस्य होगा और परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में काम करते रहेगा। अब यदि इसकी हिस्ट्री की यदि हम बात करें ना, तो 1999 में क्या हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ, तभी से लेकर के हम सोच रहे थे कि CDS का पद होना चाहिए था। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ जिसमें पाकिस्तान की हार हुई, लेकिन इस युद्ध के दौरान भारत को भी काफ़ी नुकसान हुआ था, तो युद्ध ख़त्म होने के बाद साल 2001 में कारगिल युद्ध की समीक्षा करने के लिए डिप्टी PM थे लालकृष्ण अडवाणी की अध्यक्षता में एक मंत्रियों की कमेटी का गठन हुआ था, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की सिफारिश हुई थी, ये हम पहले ही देख चुके हैं। कुछ कुछ काम इसके और हैं, जैसे कि बताया गया है कि परमाणु मुद्दे पर प्रधानमंत्री के सैन्य सलाहकार के रूप में CDS काम करेगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्य होगा कि वो सेना के तीनों अंगों के बीच में दीर्घकालिक नियोजन,
प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और खरीदी कोई उपकरण की होती है, या फिर परिवहन के लिए जो काम काज है उसका कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा। इसके अलावा परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में भी ये काम करेगा। वो किसी भी सैन्य कमांड का प्रयोग नहीं करेगा और इस मामले में नियम पूर्ववत ही रहने वाले हैं। CDS रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद के सदस्य होंगे। वो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी सदस्य बनते हैं। सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख काम के रूप में भी वो काम करता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं PIB से। तो ये जो न्यूज़ है PIB में भी है और द हिंदू में भी है। जिस प्रकार से CDS का हमने यहाँ पर जिक्र किया ना, CDS के बारे में जो जानकारी हमने हासिल की है वो द हिंदू में भी थी और PIB में थी। ठीक इसी प्रकार से केन बेतवा नदी को आपस में जोड़ने का काम गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, तो ये वाला जो न्यूज़ है ये भी द हिंदू में भी है और PIB में भी है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि दो नदियों को यहाँ पर जोड़ने का काम किया जाएगा। ठीक है, एक प्रकार से ये नहर आप देख रहे हैं, यहाँ पर डैम बनाया जाएगा जहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व है ना, यहाँ पर एक बांध बनाने की बात की गई है। और जिस नदी में पानी कम है वहाँ पर पानी छोड़ा जाएगा, ज़्यादा पानी वाली नदी में। तो इससे दो स्टेट को लाभ होने वाला है, एक तो MP को लाभ मिलेगा और दूसरा मिलेगा UP को। अब ये जो पानी की कमी है ना, इस पानी का यूज़ हम करेंगे बिजली बनाने के लिए, पीने का पानी अवेलेबल कराने के लिए, और किसान लोग इस पानी से सिंचाई भी कर पाएंगे। इसी को लेकर के ये आर्टिकल आया है, इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये दोनों नदियों को आपस में जोड़ने का काम किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार की सहायता कर रही है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट MP की सहायता कर रही है। कुछ तो वो उसको लोन देगी, कुछ तो वो उसको ग्रांट दे देगी, मतलब एक बार में आप उसकी सहायता कर रहे हैं, ग्रांट दे रहे हैं, अनुदान दे रहे हैं, वो पैसा आपको वापस नहीं लेना। तो दो नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, यहाँ पर इसकी टोटल लागत बताई जा रही है 44,605 करोड़ रुपया, जो कि 2020-21 की कीमत के आधार पर है। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार इसमें पैसा लगाने वाली है 39,317 करोड़ रुपया, और सहायक अनुदान इसमें मिलने वाला है 36,290 करोड़ रुपया, और इसमें लोन देगी स्टेट को 3,027 करोड़ रुपया। ठीक है, इसमें क्या है, ये परियोजना भारत में नदियों को आपस में जोड़ने की अन्य परियोजनाओं का भी मार्ग प्रशस्त करेगी। यदि ये सफल हो जाती है तो दूसरी अन्य परियोजनाएं भी अदर स्टेटों में चालू हो जाएंगी। इसके अंतर्गत क्या काम किया जाएगा, केन नदी का पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा, केन से बेतवा नदी पर इसका पानी भेजा जाएगा। इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, दाऊ धाम बांध बनाना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर ज़्यादा ये नदी में ज़्यादा पानी है, सबसे पहले आप यहाँ बांध बनाओगे, जब पानी स्टोर करके रखोगे, फिर एक नहर बनाओगे यहाँ से, तभी तो इस नदी में भेजोगे ना बेतवा रिवर पे, और ये है हमारी केन रिवर। तो यहाँ पर हम दाऊधाम डैम बनाएंगे, ऐसा सरकार का कहना है, और दोनों नदियों से नहर को जोड़ना है। इसमें लोअर उर परियोजना, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना के जरिए इसको कंप्लीट किया जाएगा। एरिया बताया गया है कि हम कितनी ज़मीन में इसकी सिंचाई कर पाएंगे, तो हर साल 10.62 लाख हेक्टेयर एरिया को हम सिंचाई कर सकते हैं, और 62 लाख लोग को लोगों को पीने का पानी अवेलेबल कराएंगे, 130 मेगावाट की पानी की बिजली बनाएंगे और 27 मेगावाट की सौर ऊर्जा पैदा करेंगे इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ठीक है, और इसमें टाइमिंग लगने वाला है 8 वर्ष। बुंदेलखंड वाले रीजन की हम बात करें तो ये जो परियोजना है, पानी की कमी से जूझ रहा है हमारा बुंदेलखंड, इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। ये जो पूरा इलाका है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्य में फैला हुआ बुंदेलखंड का, इससे मध्य प्रदेश में किस किस को फ़ायदा मिलेगा, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन, ठीक है, ये MP के हैं, और UP के हो गए बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर। अब इसमें बताया जा रहा है कि कृषि खेती की गतिविधि बढ़ेंगी और रोज़गार का सृजन होगा, और इससे बुंदेलखंड का जो पिछड़ा इलाका है वहाँ पर, वहाँ का समाज है, वहाँ के लोगों में समृद्धि खुशहाली आएगी, उनके कमाई बढ़ेगी।
ठीक है। इसके अलावा देखो, पर्यावरण प्रबंधन और सुरक्षा समग्र रूप से संभव होगी। पर्यावरण को भी ध्यान रखना, सेफ्टी का भी ध्यान रखना, यहाँ पर ये बात बताई जाती है। पृष्ठभूमि की हम बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो 22 मार्च 2021 को नदियों को आपस में जोड़ने की पहली प्रमुख केंद्रीय परियोजना क्रियान्वित करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश और यूपी के मुख्यमंत्रियों के बीच एक समझौता हुआ था, उस पर हस्ताक्षर हुए थे, तभी ये योजना निकल करके आई थी। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, उस हेलीकॉप्टर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि जिस हेलीकॉप्टर में CDS विपिन रावत बैठे थे वो भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। इसके बारे में भी हम कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर है ना, काफ़ी सेफ माना जाता है, तो ना केवल CDS बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इसी में यात्रा करते रहते हैं। इसका निर्माण किया गया था रूस के द्वारा। ये दुनिया भर में मौजूद सैन्य ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के नवीनतम संस्करण में से एक था, ठीक है। ये रूसी मूल के MI-8/17 श्रृंखला का हिस्सा था। भारत ने 2008 में 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा करा 80 MI-17 V5 हेलीकॉप्टरों के लिए रूसी कंपनी से करार करा। इनमें से पहला हेलीकॉप्टर भारत को 2013 में दिया गया था और अंतिम बैच 2018 में आया था। बताया जा रहा है इसके कई सारे संस्करण हैं, एडवांस और ज़्यादा एडवांस। तो सैनिकों को ले जाने के लिए 36 सीट वाला, कार्गो परिवहन के लिए और एक आपातकालीन फ्लोटेशन सिस्टम वाला संस्करण इसमें शामिल है, ठीक है। ये हेलीकॉप्टर एक पायलट और उसके साथ एक हेल्पर पायलट रहेगा और फ्लाइट इंजीनियर सहित 3 सदस्यीय चालक दल द्वारा चलता था, 3 लोग इसको ऑपरेट करते थे। इसकी खूबी बताई गई है, प्रति घंटे 250 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड और 230 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रूज गति से ये उड़ता है। जो इसका फ्यूल वाला टैंक है, इसकी सीमा है 675 किलोमीटर। इसके अलावा 2 हेल्प के लिए भी ईंधन टैंक बनाए गए हैं। कुल मिला के 1180 किलोमीटर तक एक बार भर दोगे तो उड़ जाएगा। अधिकतम वजन 4000 किलो तक ये ले जा सकता है। अगली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं पोषण अभियान से रिलेटेड, तो इसकी कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की 8 मार्च 2018 को। कहाँ से किए? राजस्थान से, ठीक है। और इसको यदि आप देखोगे तो ये अभियान है सरकार का मल्टी मिनिस्ट्रियल कंजर्वेशन मिशन है। एक मिनिस्ट्री नहीं, काफ़ी सारी मिनिस्ट्रियों को आपस में सहयोग से काम लेना है। इसके अंतर्गत 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त करना है। पोषण अभियान गरीब क्षेत्र के जो बच्चे हैं, महिला, गर्भवती माता, इनके पोषण पर ध्यान देता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2022 तक बच्चों में, ठीक है, जो उनका जो एज के हिसाब से जो हाइट नहीं बढ़ पाती है ना, स्टंटिंग बोलते हैं, उसको कम करना है, 38% से घटा करके 25% तक लाना है। अब यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है कि इसमें दो अलग अलग डेट बताई जा रही, तो अपन किनको कन्फर्म मान लेंगे? देखो, दृष्टि की जो वेबसाइट है ना, उसमें पोषण अभियान के बारे में बताया है कि इसकी शुरुआत दिसंबर 2017 में हुई थी। कौन किया था? महिला बाल विकास मंत्रालय ने देश भर में कुपोषण की समस्या को हटाने निपटने के लिए इसकी शुरुआत करी थी। तो ये क्या काम करता है? देश भर के छोटे बच्चे, मतलब जिनकी हाइट नहीं बच पाती, किशोरी, महिला, इन सब में कुपोषण और एनीमिया को ख़त्म करने का काम करता है। इसी के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश, सभी जिले इसमें शामिल थे, स्टेट गवर्नमेंट के भी और यूनियन टेरिटरी के भी। अब मेन बात आ जाती है, इसमें रुपया पैसा किस हिसाब से लगाया जाएगा? तो टोटल जितना भी लागत है उसका 50% हिस्सा बजट के माध्यम से हो जाएगा, और बाकी जो 50% हिस्सा बचा है वो वर्ल्ड बैंक और अन्य जो बहुपक्षीय विकास बैंक है वो लोग समर्थन करते हैं, ठीक है। अब जो पैसा इसमें दिया जा रहा है उसको भी हमने 3 कैटेगरी में बांट दिए। पहाड़ी वाला एरिया है, पूर्वोत्तर, हिमालयी राज, 90:10, मतलब 90 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट और 10 रुपया राज्य सरकार लगाई।
इसके अलावा जहां पर विधायिका विधानसभा नहीं है ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों में तो पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार देगी, और स्टेट गवर्नमेंट की स्थिति में 60 और 40 का हिसाब किताब रहेगा, 60 रुपया केंद्र सरकार और 40 रुपया स्टेट गवर्नमेंट। अब यदि हम न्यूज़ की तरफ चलेंगे ना, तो न्यूज़ में बताया गया है कि जो न्यूट्रिशन मिशन है, जिसको हम पोषण अभियान भी कहते हैं हिंदी में, स्टेट गवर्नमेंट और जो यूनियन टेरिटरी हैं, राज्य की सरकारें और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन्होंने यूटिलाइज़ किया है केवल 56% पैसा जितना भी इनको टोटल मिला था उसका। ऐसा इसमें केंद्र सरकार ने जवाब दिया है, द गवर्नमेंट टोल्ड पार्लियामेंट ऑन वेडनेसडे। कहा जा रहा है आउट ऑफ टोटल अमाउंट 5,312 करोड़ डिसबर्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2021, इतना पैसा केंद्र सरकार ने दे दी। इसमें से 2985 करोड़ स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने खर्च किए हैं, एंड द नंबर ऑफ सीवियर एक्यूट मालनरिज चिल्ड्रन इन द कंट्री हैज़ बिकम लेस देन 15 लाख। अभी जो कुपोषित बच्चे हैं उनकी संख्या कहा जा रहा है 15 लाख से कम हो गई है। मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में यह जानकारी दी थी। इसके बाद संसद की खबर से, संसद के कामकाज से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, इसमें बताया गया है बिल फॉर एक्स जजेस पेंशन कैलकुलेशन। मान के चलिए आप एक जज हैं, आप रिटायर हो गए, तो उसकी डेट क्या होगी जब से आपको पेंशन मिलना चालू हो जाएगा, इसी को लेकर के एक बिल को सहमति हो गई है। तो लोकसभा ने बुधवार के दिन पास कर दिया है एक विधेयक को, जो कि क्लैरिफाई करता है, क्लियर कर देता है प्रोसेस ऑफ काउंटिंग, मतलब किस प्रकार से आप काउंट करोगे एज ऑफ रिटायर्ड जज को, टू डिटरमाइन व्हेन दे विल गेट इन्हेंस्ड पेंशन, कब से उनको बढ़ी हुई पेंशन मिलना चालू होगी, इसके लिए कौन सी उम्र सही रहेगी, इसका कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगा। रिप्लाइंग टू द डिबेट ऑन द हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज एंड जिसका नाम रखा गया सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस अमेंडमेंट बिल 2021, ला मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, इन्होंने हाउस को बताया द मीजर डिड नॉट इन एनी वे अफेक्ट द सैलरी और पेंशन ऑफ जज। कह रहे हैं कि आपको जितनी सैलरी मिल रही थी मिलना है, पेंशन मिल रही थी उतनी मिलना है, लेकिन ओनली इंसर्ट एन एक्सप्लेनेटरी नोट, केवल एक प्रकार से एक्सप्लेनेटरी नोट इसमें शामिल किया गया है, टू मेक द लेजिस्लेटिव इंटेंट क्लियर अबाउट एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन। एक बात बस इसमें क्लियर हो जा रही है किसकी, एडिशनल पेंशन की, जो मिल रही वो तो ठीक है, लेकिन यदि एक्स्ट्रा पेंशन मिल रही है उसको कितनी एज से देना चालू करेंगे, यहाँ पर बताया जाता है। एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन टू रिटायर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये कहाँ से सेंक्शन की जाएगी, यदि आप 80 साल के हो गए हो, 85, 90, 95 और 100 साल यदि हो गए, एज द केस में भी, लेकिन देयर वाज ए कन्फ्यूजन अबाउट द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द एज। ये तो आपने बता दिए हो, लेकिन प्रोसेस क्लियर नहीं हो पा रही थी, एज को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो केसेस की हाई पेंडेंसी है, सेंट्रल वाज फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द लोअर जुडिशरी। एक प्रावधान और है इसमें जो द हिंदू में नहीं दिया, इसको हम देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, जज हैं, इनको पेंशन की एक्स्ट्रा जो मात्रा है, या फिर परिवार को मिल रही है पेंशन, कोई भी हकदारी कब मिलेगी, जैसे कि अभी ये दिसंबर का महीना चल रहा है, तो 1 तारीख को उनको मिल जाएगा, जब पेंशन भोगी या फिर कुटुंब पेंशन भोगी, निर्दिष्ट आयु पूरा कर लेगा, यदि आपकी उम्र हो गई पार्टिकुलर, तो आपको उसी महीने की 1 तारीख को पैसा मिल जाएगा। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं ARTI और सरोगेसी बिल से रिलेटेड। तो इसमें सबसे पहले हम ARTI के बारे में जान लेते हैं। ARTI ऐसे लोग यूज़ करते हैं जो लोग बांझपन का शिकार, जिनके लड़के बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो जिनके लड़के बच्चे नहीं हो रहे हैं वो एक ऐसी लेडीज़ का सहारा लेते हैं, और ठीक है, उसमें कृत्रिम रूप से क्या कराया जाता है, बच्चे को पैदा किया जाता है, मतलब कि आपका जो बच्चा है दूसरे के पेट में जन्म लेता है, ठीक है।
इसी को कहते हैं एआरटी। एआरटी ने जहां इनफर्टिलिटी या फिर बांझपन से जूझ रहे लोगों को उम्मीद दी है, वहीं कई प्रकार के सामाजिक और वैधानिक क्वेश्चन भी इसमें आते रहते हैं। इसमें क्या होता है, आईवीएफ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यानी अंडाणु में शुक्राणु का इंजेक्शन दे करके फर्टिलाइज कराया जाता है। महिला जो रहती है उसके गर्भाशय में शुक्राणु को प्रवेश कराया जाता है, फिर शुक्राणु और अंडाणु से प्रयोगशाला में भ्रूण तैयार किया जाता है और महिला के शरीर में इम्प्लांट कर दिया जाता है। ये पूरी प्रोसेस इसमें बताई गई है एआरटी के बारे में। वहीं इस बिल को लेकर चर्चा भी है कि इसमें एलजीबीटीक्यू यानी कि समलैंगिक समुदाय के बारे में नहीं सोचा गया है। अब इसको लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि कई बार महिला को ज़्यादा अंडाणु बनाने के लिए इंजेक्शन दे दिए जाते हैं जिससे उसके हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा एग रिट्रीवल की प्रक्रिया आईवीएफ और इंट्रा यूटेरिन मतलब अंतर गर्भाशयी वीर सेचन की प्रक्रिया होती है। वहीं भ्रूण का हस्तांतरण या फिर भ्रूण को रखने के लिए बैंकिंग की व्यवस्था भी होती है और इन सभी को रेगुलेट करने के लिए बिल जरूरी था, ऐसा सरकार का कहना है। इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं जैसे कि महिलाओं और पुरुषों की उम्र की सीमा भी तय कर दी गई है। महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र 18 वर्ष और पुरुष की 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए और दोनों की ही उम्र 55 साल से कम होना जरूरी है। जो डोनर है उसकी एज 21 से लेकर के 55 तक की होना चाहिए और इसी पुरुष का शुक्राणु आप ले सकते हैं। महिला की बात करें तो महिला की गर्भ में इसको इकट्ठा किया जाता है तो उसकी एज 23 से 35 तक होना चाहिए। इसके अलावा जो अंडाणु दाता विवाहित महिला होना चाहिए और उसका कम से कम 3 साल की उम्र का एक जीवित बच्चा भी होना चाहिए। डोनर एक बार ही दान दे सकता है। यहाँ डोनर से 7 से ज़्यादा अंडाणु नहीं लिए जा सकते। एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर होना ज़रूरी है, एआरटी और सरोगेसी दोनों में आखिर अंतर क्या है। सरोगेसी में क्या होता है, एक ऐसा जोड़ा जिसके लड़के बच्चे नहीं हैं या फिर लड़का बच्चा वो लोग पैदा नहीं कर पा रहे, वे एक दूसरी महिला से मदद लेते हैं, ठीक है, मतलब कि उनका जो बच्चा है दूसरी महिला के कोख में जन्म लेगा, ये सरोगेट मदर कहलाएगी। आईवीएफ तकनीक से इस दंपत्ति का बच्चा पैदा करती है। सरोगेसी बिल भी लोकसभा में पारित हो गया है, ठीक है। इसके बिल के अनुसार केवल एक शादीशुदा दंपत्ति इसका लाभ ले सकते हैं, मतलब कि एआरटी का ही एक विस्तार इसको माना जाता है। एआरटी में क्या होता है, इसमें भी लड़के बच्चे नहीं हो रहे हैं लेकिन यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति अंडाणु या शुक्राणु दान कर सकता है। जैसे हस्बैंड वाइफ तो है ही लेकिन इसमें शुक्राणु किसका रहेगा, किसी थर्ड पुरुष का रहेगा। इसके बाद कमीशनिंग कपल या इच्छुक दंपत्ति को बच्चा हो सकता है लेकिन यहाँ उसी महिला के गर्भाशय का इस्तेमाल होता है जो इच्छुक माता पिता हो। मतलब इसमें कपल्स का जो महिला रहेगी वो उसके उसमें शुक्राणु को इंसर्ट किया जाता है।